मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो डिबेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है मास्टर्स पे। सबसे पहले एक एक करके सारे बच्चे आप लोग अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए और पेज नंबर 105 निकालिए इंग्लिश के बुक में। इंग्लिश का बुक निकालिए, पेज नंबर 105। एक बॉक्स है नीचे में, देखिएगा। मास्टर्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, वी यूज टेक्नोलॉजी फॉर कैरिंग आउट आवर वर्क। अब देखिए, मास्टर किसको कहते हैं? तो ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड कंप्यूटर्स। ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया है? कंप्यूटर बनाया है। सेल फोन्स भी बनाया है। वी यूज टेक्नोलॉजी फॉर कैरिंग आउट आवर वर्क। तो हम क्या करते हैं? अपने काम को पूरा करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आप आज देखते हैं कई सारे टेक्नोलॉजीज हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, एंड्रॉयड, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। तो इनसे हमारा काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इन द मेडिकल फील्ड डॉक्टर्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सेव लाइव्स। अगर आप जितने भी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसका प्रोड्यूसर कौन है? मनुष्य। उसको बनाने वाला मनुष्य है। और आज अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करें, ठीक है, तो डॉक्टर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? मरीजों की जान बचाने के लिए, टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, मरीजों का जीवन बचाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये तो था मास्टर बनना। अब आते हैं स्लेव्स। मास्टर का जस्ट अपोजिट क्या होता है? स्लेव। और स्लेव का अपोजिट मास्टर। स्लेव मतलब गुलाम, मास्टर मतलब मालिक और स्लेव मतलब गुलाम। वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक, मशीन्स डू द थिंकिंग फॉर अस। हम लोग अब सोचना छोड़ चुके हैं, अब हमारे बदले मशीन काम करती है। पहले हम मुँह जवानी कैलकुलेट कर लेते थे, 10, 15, 25, 25 और 15, ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐड कर लेते थे। अब हमको छोटा सा भी ऐड करना है तो कैलकुलेटर निकाल करके उसको ऐड करने लगते हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक, मशीन्स डू द थिंकिंग फॉर अस। ठीक है, अब हम सोचना बंद कर चुके हैं बल्कि मशीन हमारे बदले काम करते हैं। कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट टेक्नोलॉजीज, वी नीड अ फोन और अ कंप्यूटर टू डू इवन सिंपल टास्क। छोटा सा काम करना है, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो आज कोई भी काम हम टेक्नोलॉजी के बिना जो है नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते होंगे अब हर जगह कंप्यूटर जो है आ चुका है, हर जगह कंप्यूटर का यूज भी किया जाता है। ठीक है, बिना मोबाइल फोन्स के, कंप्यूटर्स के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि आज हम आखिर हम ही लोगों ने टेक्नोलॉजी को बनाया और हम ही इसके गुलाम बन गए या बनते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है, आई कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ डिबेट। मैं किसी भी, इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी डिबेट के टॉपिक को समझ सकते हैं कि आखिर किस चीज़ के बारे में बहस हो रही है। कॉन्ट्रीब्यूट फैक्ट्स टू
सब्सटैंशिएट द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस करने के लिए आप फैक्ट्स वगैरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है डी टू, डिवाइड द क्लास इनटू टू, होल्ड अ डिबेट ऑन द गिवन टॉपिक, इस क्लास को दो भागों में बांट दें और जो नीचे टॉपिक दी गई है उसी पर डिबेट भी करें। विल हैविंग रोबोट्स एज टीचर्स इन फ्यूचर क्लासरूम्स बी गुड और बैड फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि आने वाले समय में 50, 100, 150, 200 वर्षों के अंदर अगर मान लीजिए कि टीचर के जगह पर आपको रोबोट दे दिया जाएगा फ्यूचर क्लासरूम्स में, तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा स्टूडेंट के, ठीक है, इसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है। लेट ईच टीम टेक अ डिफरेंट स्टैंड ऑन द टॉपिक, हर एक टीम को अलग अलग तरीके से बोलना है, कोई अगर फेवर में होगा तो कोई अगेंस्ट होगा, ठीक है, एक ग्रुप फेवर में बोलेगा तो एक ग्रुप अगेंस्ट बोलेगा। हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि जब कभी भी डिबेट होता है तो वो वाद विवाद या झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए, ठीक है, नॉलेज के लिए होता है, डिबेट किया जाता है। हो सकता है कि कुछ बातें जो उस बच्चे को पसंद जानकारी हो वो दूसरे बच्चों को जानकारी ना हो सकता है कि जो बातें एक लड़के को पता है वो बातें दूसरे किसी छात्र को पसंद पता नहीं है, ठीक है, मतलब ये होता है, इट इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स, यू नीड टू पुट इट व्हाइल यू आर व्हाइल यू टेक अ पार्ट इन द डिबेट। जब कभी भी आप डिबेट में हिस्सा लेते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको रखने हैं, ठीक है, कभी भी किसी से डिबेट जब हो रहा हो, कभी किसी से बहस या झगड़ा या वाद विवाद करने की कोशिश ना करें, ठीक है। डिबेट इज डन इन ऑर्डर टू हैव मोर एंड मोर नॉलेज, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए हम डिबेट करते हैं, बहस करते हैं। तो ये टॉपिक था, उस पर आप लोग अपने घर पर भी डिबेट कर सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ या अगर आसपास में कोई दोस्त है। लेट ईच टीम टेक अ डिफरेंट स्टैंड ऑन द टॉपिक, राइट अहेड, स्टडी द रिव्यू ऑफ मैरी शेलीज फ्रैंकेनस्टीन, मैरी शेलीज फ्रैंकेनस्टीन के बारे में ये दिया गया है। देखें, फ्रैंकेनस्टीन इज अ नॉवेल रिटन बाय मैरी शेली, फ्रैंकेनस्टीन एक उपन्यास का नाम है जिसे मैरी शेली ने लिखा था। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग एंड एम्बिशियस साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेनस्टीन एंड द मॉन्स्टर ही क्रिएट्स, यह एक कहानी है, एक ऐसी कहानी है जिसमें एक यंग और एम्बिशियस साइंटिस्ट, एक जवान और एम्बिशियस साइंटिस्ट जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन होता है, वो एक मॉन्स्टर बनाता है, एक राक्षस नुमा क्रीचर जो है बनाता है। विक्टर डिस्कवर्स द टेक्नोलॉजी टू इंस्टिल लाइफ इन अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, विक्टर क्या करता है उस नॉवेल में फ्रैंकेनस्टीन में कि एक ऐसे टेक्नोलॉजी को लाता है जिसके तहत वो किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जान फूंक सकता था, मतलब जान डाल सकता था, उसको सजीव बना सकता था।
He thinks his discovery is going to further scientific progress, but his creation turns out to be a monster. वह सोचता है कि उसके द्वारा जो खोज की गई है वो साइंस के दृष्टिकोण से बहुत प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है, लेकिन उनके द्वारा जो बनाई गई वो जो क्रीचर होता है वो एक मॉन्स्टर, एक राक्षस बन जाता है. What I liked about the book is that the author allows the monster to narrate its story in different chapters. यहाँ कहता है कि सबसे अच्छा जो मुझे इस कहानी में लगा, इस किताब में, वो मुझे यह पसंद आया कि ऑथर ने मॉन्स्टर को अलग अलग चैप्टर में नरेट करने के लिए मॉन्स्टर को अलाउ किया. द रीडर गेट्स एन इनसाइट इनटू द मॉन्स्टर्स पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स. रीडर भी जो है मॉन्स्टर के द्वारा लिखी गई बातों को मॉन्स्टर के दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं कि अरे वो राक्षस था तो उसका तो ये कर्म होता है, तो उसने जो किया सो सही किया. दिस इज हाउ द रीडर लर्न्स अबाउट द लोनलीनेस ऑफ द मॉन्स्टर एंड द रीजन बिहाइंड इट्स हैट्रेड फॉर इट्स क्रिएटर विक्टर. ठीक है, देखिए कितना अच्छा लाइन. इसी तरह से क्या होता है कि रीडर को, पढ़ने वाले लोगों को मॉन्स्टर के लोनलीनेस के बारे में, लोनलीनेस मतलब अकेलापन, लोनलीनेस, ठीक है, अकेलापन, तो सारे रीडर्स को उस मॉन्स्टर के लोनलीनेस के बारे में पता चलता है. एंड द रीजन बिहाइंड इट्स हैट्रिक फॉर इट्स क्रिएटर विक्टर. और इस बात की भी जानकारी होती है, इस बात का भी कारण पता चलता है रीडर्स को कि आखिर रीडर के मन में, आखिर उस मॉन्स्टर के मन में अपने क्रिएटर विक्टर के प्रति घृणा के भाव कैसे आए. ठीक है, तो ये थी. उसके बाद है, द रीडर मे फाइंड द लैंग्वेज अ बिट डिफिकल्ट टू रीड. हो सकता है कि जो रीडर हैं उन्हें इस कहानी की भाषा को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो. बट द नरेशन इज पावरफुल एंड वेरी इंगेजिंग. लेकिन इसमें जो नरेशन यूज किया गया है वो बहुत पावरफुल है, जो कि रीडर को अपनी ओर अट्रैक्ट करके बांधे हुए रखता है. आई वुड रिकमेंड एवरी फैन ऑफ साइंस फिक्शन टू रीड दिस बुक. ठीक है, इसमें कहा गया है कि मैं चाहूँगा कि जितने भी साइंस फिक्शन यानी कि विज्ञान से संबंधित जितनी भी कहानी को लोग जो पसंद करते हैं, जो पढ़ना जिन्हें अच्छा लगता है, वे एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें. ठीक है, तो ये थी. उसके बाद है, वाइल राइटिंग अ बुक रिव्यू वी एसेस द कंटेंट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक. जब कभी भी हम कोई बुक का रिव्यू लिखते हैं, रिव्यू मतलब फिर से, व्यू मतलब देखना और री मतलब फिर से, यानी कि फिर से उसको देखना, कहीं कुछ गलती वगैरह तो नहीं है, इसमें क्या गलती हुई, कहाँ पर बोरिंग सीन था, कहाँ पर कौन सा चीज़ नहीं होना चाहिए था, मतलब उसको फिर से देखना कि कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ सुधार की ज़रूरत थी, ये सब चीज़. वाई राइटिंग अ बुक रिव्यू वी एसेस द कंटेंट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक. जब हम किसी बुक के रिव्यू के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले हम कंटेंट को असेस करते हैं कि उसमें जानकारी जो दी गई है वो कैसी है.
मीनिंग, दूसरा मीनिंग कि इसका मीनिंग क्या है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, ठीक है, और उस बुक का क्या महत्व, उस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों की जो अक्सर जो छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं वो पिक्चर के माध्यम से पढ़ाई जाती है, ठीक है। देखते हैं बच्चे कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। पिक्चर वाला जो होता है मारपीट इमोशनल सीन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो सिर्फ पिक्चर। तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चों की किताबें जो आप देखते होंगे उसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें होती हैं, ठीक है, ताकि उन्हें और भी बेहतर ढंग से समझ आए। द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ बुक रिव्यू आर, किसी भी बुक को रिव्यू करने के जो मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, द बुक्स टाइटल एंड द ऑथर्स नेम। सबसे पहले तो हमें बुक का एक टाइटल देना होगा और ऑथर्स नेम, ऑथर का नाम उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। द प्लॉट ऑफ द बुक, प्लॉट मतलब होता है कि जिस चीज से संबंधित कहानी लिखी गई है, ठीक है, वो भी आपको पुटअप करना है। नेक्स्ट, कमेंट्स ऑन द बुक्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये सारे बुक रिव्यू लिखने के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप भी चाहें तो किसी बुक को जो आपने पढ़ा है, ठीक है, आप उसके बारे में रिव्यू आप भी तैयार कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है इसमें, कमेंट्स ऑन द बुक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बुक में क्या खासियत है उसके बारे में भी आपको बताना है, वीकनेसेस इसमें क्या कमियां हैं इसके बारे में भी आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड, और जिस भाषा का प्रयोग किया गया उस किताब में, ठीक है, क्या वो सभी के लिए उपयुक्त है, क्या वो सबको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ये भी उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू सपोर्ट प्रेज और क्रिटिसिज्म। आप चाहें तो कोई खास उदाहरण दे सकते हैं प्रेज के लिए या क्रिटिसिज्म के लिए। द रिव्यूअर्स ओपिनियन अबाउट द बुक, रिव्यूअर्स ओपिनियन यानी कि जो रिव्यू पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, जो रिव्यू पढ़ते हैं उनका क्या ओपिनियन हुआ उस बुक के प्रति, वेदर शी ही लाइक और डिसलाइक्ड। जैसे कोई मूवी आती है तो उसका तुरंत रिव्यू निकल जाता है, ठीक है, ये मूवी में ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ ये गलती है, ठीक है। उसी तरह से बुक का भी रिव्यू निकलता है कि किसने किन व्यक्ति किसने इसे लाइक किया और किसने डिसलाइक किया। राइट अ रिव्यू ऑफ योर फेवरेट बुक इन 200 वर्ड्स। 200 शब्दों में अपने फेवरेट बुक का रिव्यू लिखिए। शेयर योर बुक रिव्यू विद योर पार्टनर, ठीक है, आपका जो बुक रिव्यू है वो भी आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। इवैल्यूएट इफ हर हिज रिव्यू एक्सप्लॉइट्स द एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द टेबल गिवन बिलो। उसके बाद नीचे जो टेबल दिए गए हैं इसको यहाँ पर आप इवैल्यूएट करना है, ये भी आप कर सकते हैं। पहला, प्लॉट ऑफ द बुक, लैंग्वेज ऑफ द बुक, और पर्सनल ओपिनियन, आपकी क्या विचारधारा है उस बुक को पढ़ने के बाद। चलिए, तो ये चैप्टर 11 जो हम लोगों ने पढ़ा था
फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ये पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12, द चाइल्ड्स रिटर्न। Return means बच्चे का लौटना। आइए देखें चैप्टर नंबर 12, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स नो समथिंग अबाउट द ऑथर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानें। सो रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन दिस पोएम, इन फैक्ट दिस स्टोरी। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 टू 1941 वॉज एन इंडियन ऑथर। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, इनको इनका जन्म 1861 ईस्वी में और मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी, जो कि एक भारत के सबसे अच्छे लेखकों में से एक इन्हें कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ही रोट द नेशनल एंथम्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जीके का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जीके में अक्सर पूछा जाता है कि वैसे व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है, ठीक है। तो आप रविंद्रनाथ टैगोर आंसर करेंगे, ठीक है। अपने देश यानी कि भारत का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। इन 1901 ही फाउंडेड ए स्कूल इन शांति निकेतन। 1901 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता में ही एक स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम रखा शांति निकेतन। ही रोट मेनी ग्रेट वर्क्स इंक्लूडिंग द होम एंड द वर्ल्ड एंड घोड़ा, यानी कि उनकी कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं थी, उनमें से होम, घर, संसार और घोड़ा। एंड ऑल्सो रोट एंड कंपोज सॉन्ग्स कॉल्ड रविंद्र संगीत और टैगोर सॉन्ग्स। कई गानों को उन्होंने लिखा और कंपोज भी किया, धुन तैयार किया, ठीक है, जिसे रविंद्र संगीत या टैगोर सॉन्ग्स के नाम से जाना जाता है। In 1913, he was awarded the Nobel Prize in Literature for his collection of poems, Gitanjali. 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में collection of poems, यानी कविताओं की एक किताब जिसका नाम था गीतांजलि, इस किताब को लिखने के लिए उन्हें Nobel Prize से सम्मानित किया गया है। He died on 7 August 1941. उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।